हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ सोया चाप और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिए सोयाबीन की दाल, जिसकी हम स्प्राउट्स भी बनाते हैं और आपके घर में ये मिल जाएगी आसानी। यहाँ पर मैंने लिए एक छोटी कटोरी सोयाबीन की दाल और वो मैंने रात भर भिगो कर रख दी है। आपको इसे 7 से 8 घंटे भिगोना है और अब ये अच्छे से फूल चुकी है, आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसे मिक्सी में पीसना है और इसका एक पतला सा पेस्ट बना लेना है। हमने ये मिक्सी में पीस लिया है और इसमें पानी नहीं डालना। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें पानी नहीं डालना, बस हल्का अगर डालना है तो एक दो चम्मच डालना है। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया, आप देख सकते हो। यहाँ पर इसका एक पतला सा पेस्ट बना लिया है मैंने। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा बाउल पानी और इसमें मैं डालूंगी अब सोयाबीन की बड़ी और उन्हें हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी बॉईल हो चुका है और यहाँ पर मैंने ली है सोयाबीन की बड़ी, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने छोटी बाउल ली है, अब मैंने इसे डाल दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच नमक और इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर सोयाबीन की बड़ी आप देख सकते हो अच्छे से बॉईल हो गई है। और जब ये बॉईल हो जाएं तो हमें इन्हें क्या करना है, 2-3 बार ठंडे पानी से धो लेना है। तो यहाँ पर मैंने इन्हें धो लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इन्हें अच्छे से निचोड़ लूँगी, इनका जो पानी है उन्हें सोख लेंगे और अब इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे। जैसे हमने सोयाबीन की दाल पीसी थी ऐसी हमें इन्हें सोयाबीन की बड़ी को भी पीसना है। तो यहाँ पर सोयाबीन की बड़ी भी हमने पीस ली है, जिसको भी सोया चंक्स कहते हैं। और इसे हम जो सोयाबीन की दाल है उसी में हम इसे मिक्स कर देंगे। इस पेस्ट को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, दोनों पेस्ट को। अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें मिलाएंगे मैदा, और मैदा आपको ज़्यादा नहीं मिलानी। अब हम इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं दोनों को चम्मच की मदद से। अब हम क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे मैदा और मैदा आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। जैसे कि अब मैंने 1 चम्मच मैदा डाल दिए, इसमें मैंने 3 चम्मच मैदा डाली है और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। और इसको जैसे कि एक आटा गूंथते हैं ना, आटा तो थोड़ा टाइट मलते हैं, हमें इसे एक ऐसे डो बनाना है थोड़ा सॉफ्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे मिला दिया है और जो ये छोटी बाउल मैंने मैदा ली थी ये भी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसका एक डो तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एक उसमें लेंगे पानी। यहाँ पर मैंने लिया है 2 बाउल पानी और इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे पानी को। फिर इसमें सोया चाप स्टिक्स डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, जैसे हम चपाती बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसकी एक पतली सी चपाती बनानी है और इसे हम लॉन्ग पीसेस में कट कर देंगे। और इसी तरीके से हमें ये कट कर लेने हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप आसानी से अपने घर पर चाप बना सकते हो और ये हार्मफुल भी नहीं है आपके लिए, बहुत ही हेल्दी है, अनहेल्दी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरीके से मैंने इसके पीसेस कट कर लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेनी है आइसक्रीम स्टिक्स और इनके चारों तरफ हमें इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक्स के चारों तरफ रैप कर देना है। और जहाँ से हमने, जैसे कि अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। जहाँ से जैसे कि हम रैप कर रहे हैं उधर से ही हमें दूसरा वाला लेना है और ऐसे ही रैप करते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको खट्टी चाप चाहिए जैसे कि, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ी दही भी मिला सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दही नहीं मिलाई है, मैं नॉर्मली बना रही हूँ और आप ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी चाप बनती हैं। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके साथ भी शेयर करा जाए। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं सारी ये चाप बना लूँगी।
सारी स्टिक्स में मतलब कि ये रैप कर लूँगी, जितनी भी मैंने ये लेयर बनाई है एक एक लेयर हमें इसी तरीके से ये रैप करनी है। और इसी तरीके से मैं सारी स्टिक्स तैयार कर लूँगी, जितनी भी हमारी जो चाप है वो सारी मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। यहाँ पर पानी भी बॉयल हो चुका है आप देख सकते हो। और आपको इसी तरीके से स्टिक्स लेनी है और उस पर ये रैप करते जाना है। बस इस बात का ध्यान रखना जो हम लेयर बना रहे हैं वो पतली होनी चाहिए, अगर मोटी लेयर बनाएंगे तो उससे क्या है कि थोड़ी ये कच्ची रह जाएंगी, इससे अच्छे से ये बॉयल हो जाएंगी और आपकी चाप बहुत ही अच्छी बनेंगी। और जहाँ पर आपने लास्ट इसका मतलब कि पीस छोड़ा है वहीं से हमें इसे रैप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसी तरीके से हमें सारी सोया चाप स्टिक्स तैयार कर। और आप इसे घर पे बना के देखना, ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और मैं इसे दो तरीके से बनाऊंगी, जो आप रेड सोया चाप होती हैं वो भी और वाइट वाली, तो मैं इन्हें रेड कलर की बनाऊंगी, इसमें फूड कलर डाल दूंगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं इन्हें सारी स्टिक्स को रैप कर लूंगी। अब यहाँ पर पानी बॉयल हो चुका है, आपको मतलब कि पानी अच्छे से बॉयल करना है, तो आप देख सकते हो और बॉयल पानी में हमें इन्हें डालना है। मैंने यहाँ पर सारे स्टिक्स एक एक करके यहाँ पर डाल रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इन्हें अच्छे से बॉयल होने देंगे। अब हम थोड़ी सिम कर देते हैं गैस, तो यहाँ पर मैंने गैस सिम कर दी है और यहाँ पर ये अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं आप देख सकते हो, और बॉयल होने से अच्छे से फूल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका साइज कितना बड़ा हो गया है। यहाँ पर मैंने गैस सिम कर दी है, अब मैं डाल रही हूँ इसमें अनुजा का फूड कलर। ये आपको 5 रुपए की डिब्बी मिलती है, तो यहाँ पर आपको जिस हिसाब से चाहिए, जैसा कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डाल लेना। तो यहाँ पर मैंने फूड कलर डाल दिया है, अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और थोड़ी देर मैं इन्हें सिम पर बॉयल करूँगी, फिर इन्हें ढककर रख दूँगी। इससे क्या है कि जो कलर है इनमें अच्छे से मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने यहाँ पर ली है बर्फ़। आपको क्या करना है, आपके पास ठंडा पानी हो या बर्फ़ हो, तो यहाँ पर ये चाप ठंडी हो चुकी हैं, अब मैंने इसे बर्फ़ के पानी में डाल दिया है। अब इन्हें हम बर्फ़ के पानी में डाल देंगे और इन्हें पूरी रात आप ऐसे ही छोड़ देना 5-6 घंटे के लिए। अगर आप दिन में बना रहे हो तो 5-6 घंटे के लिए छोड़ देना, अगर आप रात में बना रहे हो तो इन्हें फ्रिज में रख देना। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, ये ठंडे पानी में मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दूसरे दिन की वीडियो है। तो यहाँ पर हमारी सोया चाप बनकर होगी है तैयार, और कितनी अच्छी बनी है ये आपके सामने ही है। और मैं इसकी सोया चाप की रेसिपी भी बना के दिखाऊंगी, मतलब कि जब इसकी सब्जी बनाऊंगी या सोया चाप टिक्का बनाऊंगी, और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अभी अच्छे से बन चुकी हैं और यहाँ पर हमें चाकू से काटने की ज़रूरत नहीं है, देखो स्टिक्स भी कितनी आसानी से निकल रही हैं। अब मैं इन्हें तोड़ के दिखा रही हूँ, आपको कट करने की जरूरत नहीं है चाकू से, क्योंकि जो मैंने लेयर बनाई थी ना, जो इसके स्टिक्स के और पास कर मैंने लेयर रैप करी थी, उससे क्या है कि आसानी से हमें चाकू से काटने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ये अपने आप ही शेप में कट जाती हैं लेयर की वजह से। तो आप देख सकते हो अंदर से वाइट हैं, बाहर से मतलब कि रेड हैं, और इन्हें मैंने 3-4 बार अच्छे से वॉश कर दिया, तो क्या है कि जो इनका फूड कलर है वो निकल गया। और ये थोड़ी थोड़ी दाल रह गई है, जैसे कि दाल हमने जो पीसी थी, क्योंकि तो इस वजह से आप देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना, और जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी सोया चाप बनाने की रेसिपी कैसी लगी, तो आप देख सकते हो, और आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम जो बाहर से लाते हैं ना, वो उनमें एक स्मेल सी रहती है।
आप देख सकते हो कितने अच्छे से पीसेस मतलब कि कट हो रहे हैं। मैं आपको सारे मतलब कि जो हमने लेयर बनाई थी ना उसकी वजह से हमें ये चाकू से काटने की भी जरूरत नहीं है।